अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर मैं आपके लिए एक झटपट सी बनने वाली बहुत ही आसान सी चिकन ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चिकन ग्रेवी को आज हम प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। अगर आपको कुछ टेस्टी सा और जल्दी बनाना हो तो आप इस ग्रेवी को ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे एंड इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही हीट हो जाए इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, 2 बे लीव्स, 2 लास्ट स्लाइस्ड कट अनियन। अनियन को अब यहाँ पर हम सौते करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, अनियन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 kg क्लीन एंड वॉश चिकन। चिकन को यहाँ पर अब अनियन के साथ फ्राई करना है फॉर 5 मिनट्स ऑन हाई फ्लेम। 5 मिनट्स बाद अब फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे एंड इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ये कुछ बेसिक स्पाइसेस जैसे कि 1 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला एंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे एंड कुक करेंगे फॉर 5 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। 5 मिनट भुनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम योगर्ट। योगर्ट को अच्छे से बीट कर ऐड करेंगे एंड योगर्ट को भी चिकन के साथ अच्छे से भून कर लेंगे आप। जब चिकन में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए अब इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर। एक बार मिक्स करेंगे एंड इसे कवर कर आप 2 प्रेशर आने तक कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम। फ्रेंड्स, 2 विसल्स बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैंने सारा प्रेशर रिलीज कर इसे सेट होने के लिए छोड़ दिया था फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद इसकी लीड ओपन करेंगे एंड दोबारा से गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। एक बार इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड टेंडर हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। अगर विनेगर ना हो तो आप इसके बदले में लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो एंड ये थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। अब इसे एक बॉईल आने तक कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चले अब इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना ये इजी एंड सिंपल रेसिपी, तो आप भी इसे बनाएं एंड ट्राई करें। ये बहुत जल्दी बन जाती है, वो भी बेसिक स्पाइसेस के साथ जो इजीली हर किचन में अवेलेबल होता है। एंड आप इसे सर्व करें विद प्लेन राइस या फिर घी राइस के साथ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।